मेरे भाई लोग, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर आ चुके हो, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर गलती से भी क्लिक कर दिया है ना, तो इस वीडियो गाइस आप लोग पूरा देखना, क्योंकि भाई लोग ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीरियसली गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ना उतना ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी लोग के लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैशटैग नो टॉप के बारे में। गाइस इसका क्या सीन है थोड़ा मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। इसका कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ इंडियन सर्वे के ऊपर या फिर नहीं, उसके बारे में गाइस हम आपको बताने वाले आज के इस वीडियो के अंदर। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे गाइस क्या हमारा पिंक डायमंड रिटर्न होता है ना, तो भाई वो पिंक डायमंड रिटर्न की यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, साथ में गाइस बाहर के सर्वर के ऊपर कंफर्म हो चुका है। तो क्या कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिलने, वो हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। उसी के साथ गाइस जहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले नेक्स्ट वेब इवेंट के बारे में, जो कि गाइस आपको कुछ कोई बड़ा वेब इवेंट देखने को मिल सकता है जो कि आपको नहीं पता है। एंड गाइस इसके अलावा हम लोग बात करेंगे भैया हमारे गोल्ड वर्ल्ड के बारे में, जो कि आप लोग को बिल्कुल ही नहीं पता है। भैया आप लोग को मेरे ख्याल से नहीं पता होगा ये बात कि हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर 28 तारीख को कौन से 3 बंडल आने वाले हैं गोल्ड वर्ल्ड के ऊपर। ये भी फ्री फायर ऑफिशियल से कंफर्म कर दिया गया है, तो वो तीनों बंडल के रिव्यू आपको भी कर देंगे, ठीक है। तो यार ये वीडियो आप समझिएगा भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोग के लिए, तो जरा से भी बिना स्किप किए आज के इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा आज के इस वीडियो को देख के आप लोग को, ठीक है। और चलो गाइस आज के इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। बस मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट कर लो, ताकि गेम के अंदर आने वाले सारे इवेंट्स अपडेट अगर आपको सबसे पहले पता चलते रहे। उसके बाद इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि लाइक करना बनता है बॉस, ठीक है, लाइक सभी जरूर करना। और अब चलो फटाफट से गाइस मूव करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा हैशटैग नो टॉपअप है या फिर जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर है। देखो बेसिकली गाइस मैंने आप लोग से जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर के लिए इतना फोर्स नहीं करवाया है, इट्स ओके गाइस यहां पे अगर आप लोग यूज करते हो, बट जहां तक मुझे पता है कि भाई मैंने आपको हर टाइम से फोकस किया है भैया हैशटैग नो टॉपअप के ऊपर, जिसका एक मतलब सेंस भी बनता है इस बात का कि आप लोग गेम के अंदर टॉपअप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली गेम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और अच्छे इवेंट्स देगा। तो यार हमेशा से हैशटैग नो टॉपअप के ऊपर ज्यादा फोकस करते आए हुए इंस्टीड ऑफ यहाँ पे हैशटैग जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। अब गाइस यहाँ पे कुछ लोग का कमेंट आता है मेरे पास कि भैया देखो आप तो टॉप अप करते हो बट हमें करने से मना करते हो। मैं तुम्हें एक बात सच्चाई बताता हूँ, यार मेरे अकाउंट के अंदर ना बहुत टाइम से मैंने टॉप अप नहीं किया है। जो तुम लोग 5-6 हज़ार या फिर 4 हज़ार डायमंड इस समय मेरे अकाउंट के अंदर देख पाते हो ना, वो मुझे गिरना देती है मंथली 5 हज़ार डायमंड, ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं देखो यार एकदम मतलब प्राउडली कह सकता हूँ मैं पार्टनर प्रोग्राम के अंदर हूँ, बट यार मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि पार्टनर प्रोग्राम के अंदर घुस के यहाँ पे जो गलत चीज़ होंगी वो आपको नहीं दिखाऊंगा। आप लोग को एक बात बहुत अच्छे से पता है, जब मैं पीपी में नहीं था और जब मैं पीपी में हूँ, ठीक है, दोनों मेरा सेम बराबर है। मतलब जो मैं पहले बोलता था वो आज भी बोलता आ रहा हूँ, मेरे अंदर कोई भी टाइप का चेंज आपको नहीं देखने को मिला। जो मेरी लॉयल ऑडियंस है जो कि मुझे काफी टाइम से वॉच करती है, उन सभी लोगों को ये बात पता चल गई है, ठीक है, मतलब वो लोग सभी लोग देख ही रहे मुझे काफी टाइम से, तो कोई नई बात नहीं। मैं हमेशा से जो बोलता आ रहा था वही अभी भी बोलता आ रहा हूँ, मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। एंड मेरा पार्टनर प्रोग्राम के अंदर होने का एक मेन रीजन जो है वो ये रीजन है कि भैया मेरे को मॉड से बात करने का एक मौका मिलता है, एंड हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर इंप्रूवमेंट करने का या फिर हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर ऑडियंस को कौन से इवेंट्स वगैरह चाहिए, मुझे आप लोग के थॉट शेयर करने का या फिर थॉट कन्वे करने का मेरे को मौका मिलता है, ठीक है। तो यार मैं ऐसा नहीं कि भाई अब मुझे पीपी के अंदर हूं तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं या फिर कुछ ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचना गाइज। मैं आप लोग की एक तरीके से हेल्प कर रहा हूँ पीपी के अंदर, है कि मैं अंदर बात करता हूँ मॉड से जो भी आप लोग को इवेंट्स वगैरह चाहिए होता है। एंड गाइज मेरे ख्याल से ये आप सभी लोग के लिए काफी बेनिफिशियल है जहां तक मुझे लगता है, और बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं तो बस यही सोच के पीपी के अंदर घुसा था कि हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर मैं मॉड से बात करके जितना यहाँ पे मतलब यहाँ पे पिंक का इशू है या फिर इवेंट्स के इशू आते हैं हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर, जो भी बेकार इवेंट्स वगैरह आते हैं उनको थोड़ा इंप्रूव करवा सकूं, और थोड़े तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है हमारे इंडियन सर्वे के ऊपर। तो इसी रीजन से कहीं यहाँ पे मैं पीपी के अंदर घुसा हूँ, बाकी मेरे को कोई भी टाइप का यहाँ पे मतलब अलग प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपने ये तो जरूर देखा होगा मैं अदर पीपी के यूट्यूबर से काफी ज्यादा हटके हूँ भाई, कोई बोले चाहे ना बोले, बट आपका रॉक्स भाई हमेशा यहाँ पे आगे हटके आता है, ठीक है, मतलब सबसे आगे रहता है कि भाई कुछ भी गलत चीज होती है तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, और कभी ऐसा नहीं बोलता कि भाई ये अच्छा वो अच्छा, जो है भाई आपके सामने रियलिटी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो भाई आप मेरे को बता सकते हो, मैं आप लोग की बात जरूर सुनूंगा। आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपना ओपिनियन मत देना बोलना, बाकी आपका रॉक्स भाई है इधर। और देखो यार हैशटैग नो टॉपअप जो है भैया यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि भैया गेम के अंदर मैं टॉपअप नहीं करता। सीरियसली गाइस मैंने बहुत टाइम से टॉपअप इवेंट कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, मुझे बस 5 हज़ार डायमंड मिलते हैं मंथली, उसके अलावा गाइस मैं बहुत टाइम से टॉपअप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में ही टॉपअप करता हूँ, ठीक है, जो कि गिवअवे वगैरह रहते हैं, बस इतना ही करता हूँ गाइस, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। इवेंट मेरे को कलेक्शन का काफी ज्यादा शौक है, बट आप लोग के लिए मैंने अपना कलेक्शन का शौक मतलब जो होता है ना एक शौक टाइप से कि भैया हमें चाहिए चाहिए वाला, तो मैं काफी ज्यादा कलेक्ट करता था पहले आइटम्स वगैरह को, बट अब मैं वो सब नहीं करता हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोग के लिए मैंने अपना एक शौक मार के रखा है, क्योंकि मुझे भाई आप लोग का सपोर्ट करना है बस इस रीजन से। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर आप समझदार हो गए मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि भाई मैं आप लोग के लिए कितना ज्यादा यहाँ पे मतलब कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर रहा हूँ। तो अब भाई इस चीज को लेकर मत बोला कि भाई आप टॉपअप करते हो या फिर ऐसा करते हो, मैं टॉपअप नहीं करता हूँ गेम के अंदर, सिर्फ मुझे 5 हज़ार डायमंड मिलते हैं और गाइस यहाँ पे पीपी के अंदर इसलिए ताकि मैं आप लोग की
जो बात है वो कन्वे कर सकूँ आगे, ठीक है। तो आई गाइस आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ एक बात बता दूं भाई, जब ये सारे नए यूट्यूबर जो आए हैं ना, जब ये लोग नहीं थे हमारे कम्युनिटी के अंदर, उसके पहले थे सितंबर महीने के अंदर से हम लोग हैशटैग नो टॉपअप यूज़ कर रहे हैं। आप लोग को ये बात पता होगा, अगर आप लोग मेरी पुरानी ऑडियंस हो, जब से मेरे 40-50 सब्सक्राइबर है तब से ही मैं यूज़ करवा रहा हूँ, तो उस टाइम गाइस कोई नहीं आता सपोर्ट पे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो भाई आपका रॉक्स भाई काफ़ी पुराना है, और इस चीज़ को गाइस हम ही लोग ने स्टार्ट किया था हैशटैग नो टॉपअप को सितंबर 2020 से। तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं गाइस, आपको मेरे सारे पॉइंट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम आपको सबसे पहला अपडेट शेयर करते हैं, क्योंकि गाइस आप हमारे 3 बंडल को लेकर आ रहे हैं भाई लोग। ये 3 बंडल आप लोग हमारे गोल्ड वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली गाइस ये जो 3 बंडल आप लोग को स्पेशल गोल्ड वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल होंगे 28 अगस्त को, और ये हमारा एनिवर्सरी स्पेशल आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो कौन कौन इसके लिए एक्साइटेड है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी गाइस यहाँ पे हमारे इन सभी के ऊपर पुराने बंडल रिटर्न में आएंगे, जो कि अच्छी बात है। बट हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे गाइस, यहाँ पे बाहर के सभी के ऊपर ब्रेक डांस बंडल रिटर्न पे आ रहा है हमारे गोल्ड वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है, मतलब क्या ही बोले गाइस, हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर रद्दी बंडल, वहाँ पर सर्वर पे भाई कितना तगड़ा बंडल डाला जा रहा है। ये छोटा सा अपडेट है जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करना था। और बात करते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वेब इवेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इधर बीच काफ़ी ज़्यादा वेब इवेंट का जो टाइमिंग वगैरह वो चेंज की गई है। पहले मंडे फ्राइडे को आता था, बट आजकल कभी भी डाल दिया जाता है। तो अभी गाइस यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है भैया, वो हमारी ये वाले इवेंट की निकल के आ रही है, जिसके अंदर आप लोग को फीमेल का बंडल देखने को मिल सकता है हमारे वेब इवेंट के अंदर। बाहर के सर्वर के ऊपर तो भैया अवेलेबल हो चुका है, 2-3 सर्वर के ऊपर अवेलेबल है, और जल्दी गाइस 2-3 दिन के अंदर और भी सर्वर के ऊपर अवेलेबल होगा। बट बात करें हमारे नेक्स्ट वेब इवेंट के डेट के बारे में, तो भैया नेक्स्ट वेब इवेंट की डेट होने वाली है 20 तारीख, ठीक है। मत सॉरी 20 तारीख बोला यार, माफ कर देना, उस दिन से इवेंट स्टार्ट होगा फ्राइडे को, ठीक है भाई। जो भी फ्राइडे आने वाला जो भी डेट को, उस दिन से गाइस हमारा एक वेब इवेंट आप लोग को सुबह मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि भैया आप लोग को इस बार देखने को मिलेगा मिस्ट्री शॉप भी, जब भी मतलब आएगा फ्राइडे, तो उस दिन गाइस आप लोग को मिस्ट्री शॉप देखने को मिल सकता है। बाकी मिस्ट्री शॉप के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर फ्राइडे को नहीं मिलता तो बाद में आपको अवेलेबल होगा इसी महीने के अंदर, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसी फ्राइडे को आपको मिस्ट्री शॉप अवेलेबल हो जानी चाहिए, या फिर मिस्ट्री शॉप नहीं आती है तो कोई काफ़ी खास इवेंट आ सकता है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग समझ लेना। क्योंकि भाई एक बार मतलब कि एनिवर्सरी इवेंट चल रहा है और गिरना चाहती है आप ज़्यादा ज़्यादा डायमंड जो है गेम में लगाओ, तो इसके चलते मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ ये बात। और पाकिस्तान सर्वर के ऊपर गाइस यहाँ पे न्यू फेरेड व्हील इवेंट अवेलेबल हुआ है जंगल व्हील नाम से। तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फेरेड व्हील के अंदर आप लोग को अलग बंडल देखने को मिल रहा है, और हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर भी काफ़ी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा वाला बंडल। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आपको एडवांस में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे। और बाकी बंडल तो भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप लोग देख लो भाई किस टाइप का बंडल वगैरह, ठीक है। आप लोग को मैंने पहले भी दिखा रखा है, बट अब इवेंट्स के अंदर अवेलेबल होना शुरू हो चुका है। और गाइस अब वीडियो आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग को हमारे चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से, और उसके बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो, सारी वीडियोस को नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं गाइस यहां पे पिंक डायमंड रिटर्न के बारे में। तो आपको याद है कि भैया यहाँ पे पिंक डायमंड जब हमारे लास्ट टाइम देखने को मिला था, और रीज़न क्या था रिमूव होने का, अगर नहीं आता तो बता दे भैया। पिंक डायमंड हमारे गेम से इसलिए रिमूव हुआ था क्योंकि भाई काफ़ी सारे प्लेयर यहाँ पे फ्री में रिवॉर्ड एक्सचेंज करने लगे थे। दूसरी बात ये थी कि भाई थोड़े अश्लील टाइप के ऐड आते थे, मतलब जो गंदे एड्स होते हैं ना, वैसे टाइप के एड्स आते थे जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसे टाइप के एड्स आते थे, ठीक है। तो इसके चलते गाइस यहाँ पे रिमूव किया गया, बट फाइनली गाइस हमारे बाहर के सर्वर के ऊपर अवेलेबल हो रहा है। एक कैलेंडर के अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि भैया कोई डेट से आप लोग को यहाँ मतलब आप को नहीं, वहां वाले बंदों को मिलेगा यहाँ पे पिंक डायमंड रिटर्न पे। और जो 2-3 बंडल आप लोग देख सकते हो ये उसके रिवॉर्ड होने वाले हैं, और भी कुछ रिवॉर्ड्स रहेंगे जो कि इसके अंदर नहीं बताया गया, बट मैं आपको बाद में बता दूंगा। बट आप लोग मेन 2 रिवॉर्ड जो रहेंगे वो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। तो आप देखो बाहर के सर्वर के ऊपर तो रिटर्न पे आ रहा है, बट हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर भी इससे रिटर्न पे आने के चांसेस बहुत बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखो भाई मैं आपको सबसे क्लियर तरीके से समझाता हूँ, देखो कोई भी इवेंट आता है तो पहले बाहर सर्वर के ऊपर धीरे धीरे आता है, फिर अचानक से एक दिन हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यार अब बहुत उम्मीद बन रही कि हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर भी आएगा, पहले इनके सर्वर के ऊपर आने तो फिर हमारे इंडियन सर्वर का भी हम लोग देखते हैं। जैसे गाइस 3 से 4 सर्वर के ऊपर आता है तो फिर गाइस यहां पे मैं आगे बात करूंगा पीपी वालों से, मतलब गाइस यहां पे गैरेना से बात करूंगा कि हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर भी भैया क्यों नहीं आ रहा है, हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर भी लाओ, ठीक है। तो आपका भाई है इधर पे गाइस, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लोग एकदम चिल मार के रहो, जितना हो सकेगा यहां पे मैं उतना एफर्ट लगाऊंगा ताकि हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर अच्छे इवेंट्स आए। और देखो यार मुझे काफी कम लोग मतलब देखते हैं, काफी कम लोग सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और आप लोग गाइस मेरे हर वीडियो के ऊपर ऐसे सपोर्ट करते रहे जैसा एक वीडियो के ऊपर करते हो कोई भी अच्छी वीडियो के ऊपर, ठीक है। जब ऐसे ही हर वीडियो के ऊपर सपोर्ट किया करो, सारी वीडियोस वगैरह देखने आया करो, ठीक है। तो आई होप गाइस आज की वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना। चलो गाइस हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।